प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म का विरोध करने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। पहली बार पीएम मोदी ने मंच से खड़े होकर कहा है कि जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं वो पूरी जमात पिछले 5-6 दिनों से बौखलाई हुई है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है, लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। पीएम मोदी एक तरफ जहां इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं एक बहुत बड़ा गैंग इसके विरोध में भी उतर आया है। कांग्रेस तो खासकर इस फिल्म पर बैन लगाने की बात कह रही है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने अभी तक इस फिल्म को टैक्स फ्री भी नहीं किया है। फिलहाल पीएम मोदी की बात से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।